अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। सो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप एनटी टेस्ट के मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह से आप एग्रीगेट निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे हर कैंपस के हर फील्ड के कट ऑफ मार्क्स प्रीवियस ईयर्स के क्या थे और इस साल क्या एक्सपेक्टेड है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप अपना फास्ट का आपने एंट्री टेस्ट दे दिया होगा, जैसे ही आपने ना फिनिश के बटन को क्लिक किया होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ गई होगी, सही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने चार सेक्शन जो अटैम्प्ट किए थे, इन सब के आपके अटैम्प्ट क्वेश्चंस कितने आपने अटैम्प्ट किए वो और कितने आपने करेक्ट आंसर्स दिए ये लिखे हुए आपके पास आ रहे होंगे और साथ साथ उनकी वेटेज आ रही होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किस तरह से आप एनटी टेस्ट के मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंग्लिश के अलावा के जितने भी मार्क्स हैं ना, आप इनको सबसे पहले कैलकुलेट कर लें। सो यहाँ पर इंग्लिश के अलावा मेरे पास मार्क्स है 14 प्लस 29 प्लस 11, सो ये मेरे पास टोटल बनता है 54, सही है। प्लस अब इंग्लिश के आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंग्लिश में जितने भी ऑप्टेंट किए ना उसको आप ना डिवाइड बाई 3 कर दें, सही है। तो 14 डिवाइड बाई 3 हमारे पास क्या होता है 4.66, और आप इसको ऐड कर देंगे यहाँ पर अपने टोटल एग्रीगेट में, सो ये आपको पास आ जाएगा 58.66, सही है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, नेगेटिव मार्किंग कर। अब नेगेटिव मार्किंग आप किस तरह करेंगे कि पर जो आपने गलत एम सी किया ना इंग्लिश के अलावा उस पर आप करेंगे -0.25, सही है। जस्ट लाइक कि पहले मैं एम सी क्यूज गिनने, तो इंग्लिश के अलावा मैंने कितने एम सी क्यूज गलत किए। तो यहाँ पर मेरे पास एक सैम्पल है मेरे पास है जिसमें आई क्यू में मैंने 6 एम सी क्यूज गलत किए, सही है 6, प्लस मैंने एडवांस मैथ से भी 6 एम सी क्यूज गलत किए, सही है, तो 12 हो गए। और मैंने बेसिक मैथ्स में 9 एम सी क्यूज गलत किए। लेट सपोज तो ये हो गया हमारे पास 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 9 21, सो 21 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.25 के साथ, प्लस अब मैंने इंग्लिश में कितने गलत किए, सो इंग्लिश में मैंने 6 एम सी क्यूज गलत किए, सो इस 6 को मैं प्लस कर दूंगा 0.083 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 21 मल्टीप्लाई पर 0.25 करूँगा तो मेरे पास आंसर आता है 5.25, और प्लस अगर मैं यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय 0.833 करूँगा तो ये मेरे पास बनेगा 4.99, और अगर दोनों को प्लस करेंगे आप तो ये आपके पास बन जाएगा, सो ये बेसिकली आपके पास बनता है 10.24। तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग है, सही है। अब आप इसको माइनस करोगे जो टोटल आपने सही एम सी क्यूज किए, जस्ट लाइक मैंने बनाया था 58, तो अगर मैं इसमें से माइनस करूँगा सो ये मेरे पास हो जाएगा 58.66 माइनस 10.24, तो ये होता है 48.42। सो ये बेसिकली मेरे मार्क्स है 48.42 आउट ऑफ 100, सही है। ये बिल्कुल एंटी टेस्ट की मार्क्स है, मैंने नेगेटिव मार्किंग निकाल ली, इसमें से सारे टोटल करेक्ट आंसर्स मैंने कर लिए कैलकुलेट, सही है। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसके बाद एग्रीगेट। एग्रीगेट किससे कैलकुलेट होता है, बेसिकली ये मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है अगर आप देख सके तो इसमें आपके लिए सपोज करते हैं कि मैट्रिक में मार्क्स है 85%, तो आप 85 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 के साथ, प्लस एफ एस सी में लेट सपोज करते हैं 80%, सो 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 0.4, प्लस एंटी टेस्ट मार्क्स, सो एंटी टेस्ट में कितने मार्क्स है हमारे पास यहाँ पर 48.42, तो 48.42 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 के साथ, तो आप इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय 0.4 प्लस 48.42 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये मेरे पास बनता है 64.71, सही है। सो ये बेसिकली पूरा एक एग्रीगेट मिला जो मैट्रिक प्लस इंटर प्लस एंटी टेस्ट के मार्क्स को कैलकुलेट करके मैंने लिखा है यहाँ पर, सही है। सो आई होप कि यहाँ तक आप क्लियर हो गए होंगे किस तरह एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन जमा की है, कुछ डेटा जमा किया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्या कट ऑफ थे फील्ड वाइज, सही है, और इस ईयर क्या एक्सपेक्टेड है, सही है। अगेन ये मेरी प्रेडिक्शन है, हो सकता है सही हो सकता है सही ना हो, तो इस पर बिल्कुल आप टोटली रिलाई नहीं कीजिएगा, लेकिन इससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी ये
पता करने में कि आपका एडमिशन हो सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद कैंपस के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में। सो जो लास्ट ईयर यानी कि 2022 में जो मेरिट था ना, अगर फास्ट एंटी टेस्ट की बात की जाए तो वो 66 था, और अगर NET अगर आपने दिया हुआ एक टेस्ट जो NTS कंडक्ट करती है ये टेस्ट, सो अगर आप उस बेसिस पर अप्लाई करो तो आपके मार्क्स आने चाहिए 86 अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आना है, सही है। और इस ईयर क्योंकि आपको पता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हुआ है, जो प्रीवियस ईयर जो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये था कि मैट्रिक या एंटर में से आपके 50% लिए जाएंगे जो भी आपके हाईएस्ट हो, सही है, क्योंकि कोविड था और कोविड में इंटर के पेपर हुए नहीं थे, इसलिए अक्सर बच्चों ने मैट्रिक के बेसिस पे अप्लाई किया था, मैट्रिक में अक्सर बच्चों के मार्क्स ज़्यादा होते। तो इस बार जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हुआ है, हो सकता है कि इस बार मेरिट डिक्रीज हो, लेकिन ये बात कन्फर्म नहीं है। तो मिनिमम हो सकता है कि 61 पे चले जाए, आपका 61 पे शायद हो सकता है आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिल जाएगा, आपका एग्रीगेट 61 है तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिल जाएगा, मैक्सिमम हो सकता है 67 पे चले जाए, सही है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड है ना, ये जो मेरी प्रेडिक्शन है वो ये है कि 64 पे आपको मिल जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन। अब बात करते हैं डेटा साइंस की। सो आपको मालूम है कि डेटा साइंस भी एक बहुत मशहूर फील्ड है फास्ट की, तो अगर आपको डेटा साइंस की फील्ड के अंदर आप इंटरेस्टेड हो तो आपके एग्रीगेट आपका 62 होना चाहिए फास्ट के एंटी टेस्ट की बेसिस पे, और NET की बेसिस पे 75। इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड है, अगर मिनिमम भी अगर आपका मेरिट इस बार डिक्रीज होता है तो 56, और अगर इंक्रीज हो जाता है तो 62। लेकिन जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, जो मेरी प्रिडिक्शन है, वो है 59 पे आपको डेटा साइंस मिल जाना चाहिए। अगर आपका एग्रीगेट 59 है सो डेटा साइंस आपको मिल जाना चाहिए। सो अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की। सो आपको मालूम होगा जिस तरह की जो फास्ट का जो सबसे मशहूर डिपार्टमेंट है वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, और सबसे ज़्यादा इसका ही एग्रीगेट जाता है ऊपर। सो अगर आपका एग्रीगेट 69 है तो आपको इस्लामाबाद के अंदर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में मिल जाएगा एडमिशन लास्ट ईयर के बेसिस पर। लेकिन अगर आप NET की बेसिस पे अप्लाई करो तो लास्ट ईयर का जो मेरिट है क्लोजिंग मेरिट वो है 86, सही है। इसके अलावा जो इस ईयर का जो प्रेडिक्शन है, अगर मेरिट डिक्रीज हुआ तो 63, अगर इंक्रीज हो गया तो बहुत बहुत तो 69 मैक्सिमम जो जाएगा, और जो मेरी प्रेडिक्शन है वो है 67 पे मिल जाना चाहिए आपको कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। इसके अलावा रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का भी एक डिपार्टमेंट है, तो रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का जो लास्ट ईयर जो क्लोजिंग मेरिट है वो हमारे पास है 59 एंटी टेस्ट की बेसिस पे और 70 NET की बेसिस पे। और एक्सपेक्टेड है कि इस साल अगर मेरिट डिक्रीज हो गया तो मिनिमम भी जो होगा वो 53 होगा। अगर आपका एग्रीगेट 53 से कम है सो आपके लिए सजेशन यही है कि आप दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना शुरू कर दें, फास्ट के रिजल्ट का इंतज़ार ना करें, और मैक्सिमम भी अगर जो जाएगा ना वो 59 है, सही है। और एक्सपेक्टेड मेरी प्रेडिक्शन यही है कि 56 पे आपको रोबोटिक्स मिल जाना चाहिए। सो अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की। सो लास्ट ईयर जो मेरिट था ना साइबर सिक्योरिटी का वो था 60% एग्रीगेट पे आपको साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मिल जाना चाहिए, और 75 NET की बेसिस पे आपको मिल जाएगा अगर लास्ट ईयर की मेरिट की बात करें तो। और इस साल की प्रेडिक्शन यही है कि मिनिमम भी जो जाएगा ना वो 54 है और मैक्सिमम जो है वो 60 है, और प्रेडिक्शन यही है मेरी कि 57 पे साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट क्लोज हो जाएगा। सो जो लास्ट फील्ड है इस्लामाबाद कैंपस की वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपको मालूम है बहुत मशहूर फील्ड है फास्ट यूनिवर्सिटी की। सो इसका भी जो मेरिट अगर आप फास्ट यूनिवर्सिटी की बेसिस पे देखें तो लास्ट ईयर जो क्लोज हुआ था वो 64 पे क्लोज हुआ था, और अगर NET की बेसिस पे आप अगर देखें तो 80 पे क्लोज हुआ था, सही है। और इस साल की प्रेडिक्शन यही है कि अगर मिनिमम भी जाएगा वो 55 to 58 की रेंज पर जा सकता है, पहले आप मिनिमम 55 ही समझे, और मैक्सिमम भी जो गया 67 हो सकता है। और जो प्रेडिक्शन है एक्सपेक्टेड है वो यही है कि 63 पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिल जाएगा एडमिशन। अब बात करते हैं लाहौर कैंपस की, सही है। सो लाहौर कैंपस स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि जो लास्ट ईयर जो सबसे हाईएस्ट जो मेरिट था ना, सही है, जो अगर मैं कैंपस वाइज कंपेरिजन करूँ यहाँ पर कैंपस वाइज, तो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2022 की,
सो सबसे ज़्यादा जो है ना, आपको मालूम है जिस तरह के सीएस डिपार्टमेंट हर कैंपस का मशहूर है, सही है, और फास्ट यूनिवर्सिटी इससे मशहूर सिर्फ सीएस डिपार्टमेंट की वजह से ही है। तो जो सीएस के अगर हम बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट मेरिट ना सीएस का लास्ट ईयर वो इस्लामाबाद का था, सही है। फिर इसके बाद लाहौर, देन कराची कैंपस, देन फैसलाबाद एंड चंडोट कैंपस एंड देन पेशावर। और अगर हम बात करें यही के ना 2021 की बात करें, जिस वक्त कोविड बहुत पीक पे था, तो उसमें थोड़ा सा चेंज था। उसमें सब कुछ सेम था, बस आपका लाहौर का मेरिट सबसे हाई था और इस्लामाबाद सेकंड नंबर पे था। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ज़्यादा डेटा मिला नहीं 2021 का, सिर्फ मुझे कराची कैंपस के बारे में पता है 2021 का, तो उसके बारे में आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाहौर कैंपस की, सही है। सो लाहौर कैंपस और इस्लामाबाद कैंपस आपको मालूम है आगे पीछे होते ही रहते हैं, अगर 2 साल के हम डेटा को चेक करें तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि कभी इस्लामाबाद का हाईएस्ट होता है तो कभी लाहौर का। तो अगर लाहौर के हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें, तो लास्ट ईयर जो क्लोजिंग था वो 70% पे था, 70 एग्रीगेट पे, सही है। और इस साल एक्सपेक्टेड है अगर मेरिट गिरा भी ना आपका तो 63 हो जाएगी, बहुत तो क्लोजिंग हो जाएगी। तो और अगर इंक्रीज हो गया ना आपका मेरिट, सही है, 175 पे क्लोज होगा। और मेरी प्रिडिक्शन यही है, एक्सपेक्टेड यही है कि 72 पे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मिल जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें डेटा साइंस डिपार्टमेंट की, सो जो लास्ट ईयर जो क्लोजिंग है वो 68 एग्रीगेट है, सही है, 68 एग्रीगेट से ऊपर वालों को सॉफ्टवेयर डेटा साइंस डिपार्टमेंट मिल गया था, और 80 NNT की बेसिस पे स्कोर पे डेटा साइंस डिपार्टमेंट मिल जाता है। और अगर इस साल के एक्सपेक्टेड चेक करें तो मिनिमम जो क्लोजिंग है वो 63 है, अगर मेरिट डिक्रीज हुआ, अगर इंक्रीज हुआ तो 75, सही है। और एक्सपेक्टेड यही है कि 71 पे डेटा साइंस डिपार्टमेंट क्लोज होगा इस साल। अगेन ये सारी सिर्फ प्रिडिक्शन है, अगर आपको सेफ साइड पे खेलना है तो आप मिनिमम मैक्सिमम देख लें, आप कोशिश करें कि मैक्सिमम से ऊपर आपके स्कोर है तो आप 100% आपका चांस है कि हो ही जाएगा इस डिपार्टमेंट में। अगर आप सीएस डिपार्टमेंट की बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो 71 एग्रीगेट गया था जो सबसे हाईएस्ट था, सही है, कि 71 एग्रीगेट की बेसिस पे आपको मिल जाता है, मतलब अगर आपका एग्रीगेट 71 या 71 से अबव है, सही है, तो आपको सीएस डिपार्टमेंट मिल सकता है लाहौर यूनिवर्सिटी का, लाहौर कैंपस के अंदर, सही है। और अगर आपके एनएटी की बेसिस पे 85 मार्क्स है तो आपको लाहौर कैंपस के अंदर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट मिल जाएगा लास्ट ईयर के मुताबिक। लेकिन इस साल जो प्रोडिक्शन यही है कि मिनिमम भी अगर मेरिट डिक्रीज हुआ तो 63 जाएगा, और अगर मैक्सिमम इंक्रीज हो गया मेरिट हमारा तो 75 चले जाएगा। और एक्सपेक्टेड यही है कि 73 पे सीएस डिपार्टमेंट भी क्लोज होगा इस साल। अब अगर हम रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की बात करें, जो लास्ट ईयर जो क्लोजिंग हुआ है मेरिट हमारा वो 66 एग्रीगेट पे क्लोज हुआ है, फर्स्ट एनटी टेस्ट की बेसिस पे, और 70 पे क्लोज हुआ है एनईटी टेस्ट की बेसिस पे, सही है। और अगर इस साल की हम चेक करें तो मिनिमम अगर मेरिट डिक्रीज हो जाएगा तो 63 हो जाएगा बहुत बहुत, और अगर मैक्सिमम चेक करें तो 75 हो, सही है। और एक्सपेक्टेड यही है कि इस साल जो मेरिट है, यहाँ पर गलत लिख दिया है, ये 72 है, सही है। सो 72 एक्सपेक्टेड है इस साल का, कि इस साल 72 जाएगा बहुत बहुत भी अगर गया तो। अब बात करते हैं कराची कैंपस की। सो कराची कैंपस, क्योंकि मैं खुद कराची कैंपस में पढ़ता हूँ, सो मेरे पास यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन है कराची कैंपस के डिपार्टमेंट के हवाले से। तो अगर कराची कैंपस के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए, तो लास्ट ईयर जो क्लोजिंग हुई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वो 63 एग्रीगेट पे हुई है, फर्स्ट एनयू के एंटी टेस्ट की बेसिस पे, सही है। और अगर हम 2021 की बात करें, कि जिस वक्त कोविड पीक पे था, सो उस वक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो 56 पे क्लोज हो रहा था, सही है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जिस वक्त कोविड पीक पे था तो उस वक्त तकरीबन तमाम बोर्ड्स के एग्जाम्स आगे चले गए थे, और एक हमें ना जो फास्ट का एंटी टेस्ट हुआ था ना वो
वो एग्जाम्स के दरमियान हुआ था। जहाँ तक अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा कुछ इस तरह का हो गया था सीन के मैंने एक दिन एंट्रेंस दिया और उसी के अगले दिन ना मेरा बोर्ड का मैथ्स का पेपर था। काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था वो। लेकिन खैर, जो 2021 की अगर बात करें तो मेरिट काफ़ी गिरा था, सही है। और 56 पे आपको मिल गया था अगर फास्ट एनयू की बेसिस बात करें तो। और मिनिमम जो क्लोजिंग मेरिट अगर इस साल की बात करें तो 58 चले जाएगा बहुत बहुत भी गया तो, और मैक्सिमम जो चले जाएगा वो 70 है, सही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। और एक्सपेक्टेड यही है कि जो मेरी प्रिडिक्शन है कि 62 पे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मिल जाएगा। और अगर सीएस डिपार्टमेंट की बात करें तो लास्ट ईयर जो मेरिट क्रॉस हुआ था सीएस डिपार्टमेंट का वो था 66% एग्रीगेट, सही है। तो और 2021 की बात करें तो उस जमाने में आपका जो 61 एग्रीगेट में सीएस डिपार्टमेंट क्रॉस हुआ था, सही है। और इस साल एक्सपेक्टेड यही है कि मिनिमम भी अगर मेरिट डिक्रीज हुआ तो 61 जाएगा और मैक्सिमम 75। लेकिन जस्ट टू बी द सेफ साइज आप मैक्सिमम को ही चेक करें, मैक्सिमम अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो ही आप सीएस डिपार्टमेंट की ना एक्सपेक्टेशन रखें। और एक्सपेक्टेड यही है कि क्लोजिंग 65 को हो जाएगा, जो मेरी प्रेडिक्शन वही है। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, सही है, तो ये भी काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है फास्ट कराची का। और लास्ट ईयर जो क्लोजिंग है इसकी वो 62 एग्रीगेट पे भी थी और 2021 में 55 पे। और इस साल एक्सपेक्टेड यही है कि मिनिमम अगर मेरिट डिक्रीज भी हुआ ना, बहुत बहुत भी मिनिमम डिक्रीज हो गया तो 55, और अगर मैक्सिमम इंक्रीज हो गया तो 65। लेकिन मेरी प्रिडिक्शन यही है कि 60 पे इस बार आपको सीएआई डिपार्टमेंट मिल जाएगा। अब हम बात करें साइबर सिक्योरिटी की, तो लास्ट ईयर जो क्लोजिंग हुई साइबर सिक्योरिटी वो थी 57 एग्रीगेट, सही है। और 2021 के जो क्लोजिंग है वो 53 एग्रीगेट है। और अगर इस साल की बात करें एक्सपेक्टेड, तो बहुत बहुत भी तो अगर मैंने डिक्रीज हुआ तो 43, अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो 60। और एक्सपेक्टेड यही है कि 58 पे आपको सीएस डिपार्टमेंट इस साल मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको क्लियर होगा। मैं बाकी दो कैंपस का ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं पाया, पेशावर कैंपस और फैसलाबाद कैंपस की। लेकिन अगर मैं आपको उनकी एक्सपेक्टेशन बताऊँ तो यही है कि वो कैंपस कराची कैंपस का जितना मैंने आपको बताया उससे नीचे ही वो बेसिकली इनके डिपार्टमेंट क्लोज होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सीएस डिपार्टमेंट कराची का अगर 60 पे क्लोज हो रहा है तो फैसलाबाद और पेशावर का 65 पे क्लोज होगा, वो भी 60 से नीचे 59 या 58 पे ही क्लोज हो जाएंगे। तो आप इनकी बेसिस पे कराची कैंपस के मार्क्स की बेसिस पे जज कर सकते हैं कि फैसलाबाद और पेशावर कैंपस किस पे क्लोज होंगे। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एग्रीगेट कैलकुलेट करना है और किस तरह से आपको मार्क्स कैलकुलेट करने अपने एनडी टेस्ट के, और क्या क्लोजिंग मेरिट डे से लास्ट ईयर की और इस साल क्या प्रेडिक्शन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।